नमस्कार बच्चों, आज जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है अकबरी लोटा, जिसके लेखक है अन्नपूर्णानंद वर्मा जी। अकबरी लोटा लेखक अन्नपूर्णानंद वर्मा जी की एक व्यंग्यात्मक रचना है। यह कहानी है लाला छावलाल और उनके ऐतिहासिक लोटे की। लाला छावलाल को खाने पीने की कमी ना थी, अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते भी थे, परंतु उन्होंने कभी भी 250 रुपये एक साथ नहीं देखा था। एक दिन उनकी पत्नी ने 250 रुपये की मांग की। पत्नी के अचानक इतने रुपए मांगने पर लाला जी हैरान हो गए और उनका दिल बैठ गया। ये भागते हुए उनकी पत्नी ने अपने भाई से रुपए लेने की बात कही, जो लाला जी को बिल्कुल नागवार थी, और उन्होंने एक हफ्ते में पैसे देने का वायदा किया। 4 दिन गुजर गए बट वे पैसे का इंतजाम नहीं कर पाए। फिर वो पंडित बिलवासी मिश्र के पास गए और सब बताया। पंडित जी के पास रुपये नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा कि वो कैसे भी मांग जांच कर लाने की कोशिश करेंगे और उनसे उनके मकान पर दूसरे दिन मिलेंगे। दूसरे दिन लाला जी परेशान होकर छत पर टहल रहे थे कि अगर रुपया नहीं मिला तो अपनी पत्नी को कैसे मुंह दिखाएंगे। उन्हें प्यास लगी तो नौकर को पानी के लिए आवाज लगाई। पानी उनकी पत्नी लेकर आई, परंतु उनकी पत्नी ग्लास लाना भूल गई और वे लोटे पर ही पानी ले आई। लोटा बदसूरत और आड़ा टेढ़ा था और लाला जी को बिल्कुल पसंद ना था, पर पत्नी से उस बात पर बहस करके उसका नतीजा भुगतने का साहस ना था। वो अपना गुस्सा दबाकर पानी पीने लगे। 2-4 घूंट पियाई था कि लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे एक दुकान पर खड़े एक अंग्रेज की पैर पर गिरा। लाला जी के हाथ पांव फूल गए और वो नीचे भागे। भीड़ उनके आंगन में जमा हो गया था और अंग्रेज गुस्से में लाला जी को अंग्रेजी गाली देने लगा। इतने में पंडित बिलवासी जी आ गए और मौके का फायदा उठाते हुए एक चाल चली। भीड़ को बाहर का रास्ता दिखाकर अंग्रेज को विनम्रता से एक कुर्सी पर बिठाया और अंग्रेज के पूछने पर कि वो लालाजी को जानता है या नहीं, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। पंडित जी ने लालाजी को पुलिस को पकड़वाने का सुझाव दिया और लालाजी से लोटा 50 रुपये में खुद खरीदने की बात कही। अंग्रेज के हैरान होने पर उन्होंने उस लोटे को ऐतिहासिक बताया और बताया कि वह अकबरी लोटा है जिसकी तलाश दुनिया भर के म्यूजियम को है। उन्होंने बताया कि 16वीं शताब्दी में बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारने के बाद रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था, तब एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उनकी प्यास बुझाई थी। अकबर ने ब्राह्मण का पता लगाकर उसे 10 सोने के लोटे दिए और यह लोटा उनसे ले आया। यह लोटा बहुत ही प्यारा था अकबर को, इसलिए इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। बाद में वह लोटा गायब हो गया और पता नहीं कैसे लाला जी के पास आ गया। अंग्रेज पुरानी चीज़ों का संग्रह करने का शौकीन था और अपने एक अंग्रेज पड़ोसी के संग्रह को देखकर और उसकी डिंगी से परेशान था। उसने उस लोटे को 100 रुपये में खरीदने की बात कही, जिस पर पंडित जी ने ऐतराज जताया और उनके बीच लोटे के लिए बोली लगने लगी। जब पंडित जी ने 250 रुपये रख कर ताव दिखाया, अंग्रेज ने जोश में आते हुए 500 रुपये देने की बात कही, जिस पे पंडित जी कुछ ना बोल सके और दुखी मन से अपने 250 रुपये उठा लिए। तब अंग्रेज ने अपने पड़ोसी मेजर डॉगलस के जहांगीरी अंडे के बारे में बताया, जो कि दरअसल इसी तरह की ठगी से दिल्ली में एक मुसलमान ने उसे बेचा था। अंग्रेज के जाने के बाद लाला जी की खुशी का ठिकाना ना था। पंडित जी जब अपने घर गए तब उन्हें नींद नहीं आ रही थी। फिर उन्होंने अपनी सोई पत्नी के गले के चेन से संदूक की चाबी निकाली और वापस 250 रुपये रख दिए, जो उन्होंने उसी तरह चोरी छुपे निकाले थे लाला जी को देने के लिए। अब पैसे वापस होने पर उन्हें चैन की नींद आई। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और कभी भी परेशानी में अपनी समझ को नहीं खोना चाहिए, समझदारी से हमेशा काम लेना चाहिए। तो इस पाठ को आप लोग अच्छे से पढ़िए और मैं अंत में इसके प्रश्न उत्तर दे रही हूँ और जो पीछे के जो अभ्यास हैं वे भी उसके भी उसे भी मैंने लिख लिया है, वो भी दे रही हूँ, तो आप उसे भी अपने कॉपी में उतारिए और इन सबको सीखिए। धन्यवाद।